हम कक्षा 12 चित्रकला आलेखन का जो पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से पेपर आया था, वो तो आपको पता ही है। हाँ, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, पहले प्रश्न में जो 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है तो देख लेते हैं। पंचमणि गुफा चित्र किस प्रदेश में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में है। तेल माध्यम के चित्रों में किस तेल का प्रयोग किया जाता है? तो ये तारपीन के तेल का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है? इसमें द कोण, इसमें द इसका उत्तर है द। निम्नलिखित में से कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है? तो इसका उत्तर है द कोण। किस पुरातन ग्रंथ में भारतीय चित्रकला के 6 मुख्य अंगों की चर्चा की गई है? तो ये इसका उत्तर आ भारतीय कला का इतिहास। निम्नलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष का रंग नहीं है? तो इसका भूरा। लाल रंग में कौन सा रंग मिलाया जाए कि वह नारंगी हो जाए? तो इसमें पीला रंग मिला दिया जाता है तो नारंगी हो। तो सरल रेखा क्या है? इसका उत्तर बा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को मिलाने वाली रेखा। खजुराहो के विख्यात मंदिर किस प्रांत में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका उत्तर सा है। रंग माध्यम में सबसे पारदर्शी रंग कौन सा है? तो इसका उत्तर बा है, पोस्टर रंग। रंग माध्यम में सबसे पारदर्शी कौन सा रंग है? तो ये द है, आयल रंग। निम्नलिखित में से ठंडा रंग कौन सा है? तो ये द नीला रंग। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं जो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। ये खंड का है जिसमें आलेखन अनिवार्य। तो यह साड़ी के पल्लू या आंचल के उपयुक्त एक सुंदर आलेखन बनाइए। आलेखन की रूप रचना 1 20 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर के आयत में कीजिए। इसके आंतरिक भागों को सुंदरता से विभाजित करें। आलेखन कमल के फूल, पत्तियों, कलियों तथा यथास्थान कम से कम एक सुंदर पशु अथवा पक्षी पर आधारित हो। आलेखन प्राकृतिक या अलंकारिक हो सकता है। इसे 3 रंगों में सुंदर संगति के साथ पूर्ण कीजिए तथा व्यवस्था आकर्षक एवं नित्य रंजक होनी चाहिए। फूल भी है, पत्ती भी है, कली भी है और बदख भी है, यानी कि पक्षी है। तो इस तरीके से बनाना है। इसमें आयत है, ये आयत में बना हुआ है। यह साड़ी के पल्लू का सुंदर आलेखन है। 20 सेंटीमीटर लंबा एक सुंदर आकृति के फूलदान का रूप बनाइए जिसके बीच की चौड़ाई या व्यास 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फूलदान के आंतरिक भागों को सुंदरता से विभाजित करें तथा इसको किसी भारतीय पुष्प, पत्तियों एवं कलियों पर आधारित सुंदर आलेखन से सुसज्जित करें जिसमें कम से कम एक पशु या एक पक्षी का समावेश हो। आलेखन अलंकारिक होना चाहिए तथा 3 सहयोगी रंग में सुंदर संगति के साथ पूर्ण कीजिए। रंग व्यवस्था आकर्षक तथा चमकदार होनी चाहिए। निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें। इकाइयों की मौलिकता 12 नंबर की, लयात्मक रेखांकन 12 नंबर का, उत्तम संगति एवं रंग योजना 24 नंबर की, सामान्य प्रभाव एवं आकर्षक 12 नंबर का। ये फूलदान आकृति का पूछा गया है, इसमें फूलदान ही है। फूलदान में जो ये गुलदस्ता लगा हुआ है इसमें एक पक्षी बैठा है। तो जो ये प्रश्न अथवा का आया है इसमें फूलदान की जो ये आंतरिक है, तो ये इस तरीके से आंतरिक संरचना में विभाजन है रेखाओं का, ये देख लीजिए। इसमें एक फूलों का गुलदस्ता लगा हुआ है, तो ये फूलों का गुलदस्ता लगा हुआ है, इसमें एक पक्षी बैठा है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। चलते हैं, खंड का में से कोई एक करना है। तो इसमें है प्राकृतिक चित्रण। तो सामने इसमें क्या है कि क्लास में सामने रखा हुआ होता है, कहीं टेबल पर रखे हुआ जो सामान होता है उसका चित्र बनाना पड़ता है। उसमें फूल भी रखे होते हैं और जो इसमें लिखा है वो सब कुछ टेबल पर रखा होता है। तो इसमें अब जो बनाना होता है अथवा में स्मृति चित्रण। तो स्मृति चित्रण में दिए गए ड्राइंग शीट पर अपनी स्मृति से निम्नलिखित में से किसी एक की छाया प्रकाश तथा प्रतिछाया युक्त चित्र पेंसिल HB 1B और 2B 3B अथवा 4 कुल से बनाना है। चित्र की माप लगभग 15 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो इसका का नंबर है, एक प्लेट में 2 केले। ये एक प्लेट में 2 केले रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से। इसको स्क्रीन शॉट भी ले लें। एक प्लेट में 2 केले, तो ये में 2 केले रखे हुए हैं, इसका स्क्रीन शॉट ले लें। ये खास सूट केस है। अब सूट को इसको हम देख लेते हैं। तो ये सूट केस देख रहे हैं, तो इसको ऐसे ही बनाना है। फिर गा नंबर पे हाथी बनाना है। ये हाथी बना हुआ है, हाथी को आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर एक बनाना था, अब ये वाला भी हम देख लेते हैं। इस दिए गए ड्राइंग शीट पर 20 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर के आयत में निम्नलिखित में से एक दृश्य चित्र तैयार करना है। चित्रांकन का माध्यम जल रंग, पोस्टर रंग या कोई माध्यम हो सकता है। तो दृश्य चित्र में नदी किनारे का दृश्य, तो सबसे पहले देख लेते हैं नदी किनारे का दृश्य। नदी किनारे का दृश्य आप देख सकते हैं, इसका भी स्क्रीन शॉट लेकर के इसको आप बना सकते हैं और सीख सकते हैं। दूसरा है खेत में कार्य करती हुई स्त्रियाँ। खेत में कार्य कर रही हैं स्त्रियाँ, ये वो सीन है, प्राकृतिक दृश्य। तीसरा है ग्रामीण दृश्य में कुछ वृक्ष एवं झोपड़ी। ग्रामीण दृश्य ये है, उनमें वृक्ष भी हैं और झोपड़ियाँ भी। इस तरीके से बनाना है, तो कोई एक बनाना है 3 में से। बस इस तरीके से हमारा पेपर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।